तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा। चिट्ठी न कोई संदेह। दर्द भरी जिंदगी क्या होती है, इसे जगजीत सिंह के जीवन में साफ देखा जा सकता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको। उन्हें जब लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी उन पर एक के बाद एक गम का ऐसा पहाड़ टूटता गया जिसके आगे कोई भी इंसान घुटने टेक दे। अगर आप गजलों के शौकीन हैं तो आपके पसंदीदा गायकों की लिस्ट में जगजीत सिंह का नाम शामिल जरूर होगा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत के जिक्र के बिना गजलों की बातें अधूरी है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। जगजीत सिंह के लिए दीवानगी का जो आलम रहा है, वैसा किसी गायक के लिए देखने को नहीं मिला। कॉलेज के जमाने से गजलें गा रहे जगजीत को सुनने की फरमाइशों का दौर हमेशा लगा रहता था। खुद स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी उनकी आवाज की दीवानी थी और मुंबई में जब भी शो होता, वो बकायदा टिकट खरीद कर जगजीत को सुनने जाती थी। उनके गाए हुए गाने आज भी लोग पूरे दिल और फीलिंग्स के साथ सुनते हैं। गजल और गालिब को आम लोगों के साथ साथ युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का श्रेय कहीं ना कहीं इन्हीं को जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक दौर ऐसा भी था जब उधार में चाय पीने के लिए इन्हें सुनानी पड़ती थी गजलें। क्यों लोगों ने इस महान गजल सम्राट को सरेआम किया था जलील, उड़ाया था मजाक। शादीशुदा औरत से प्यार करने के बाद क्यों उसके ही पति से शादी की इजाजत लेने पहुंचे। पाकिस्तान में क्यों हो रही थी इनकी जासूसी और क्यों पाकिस्तान में लगा दी गई थी जगजीत सिंह के गजलों पर रोक। क्यों जगजीत सिंह के चलते आधे घंटे लेट हुई फ्लाइट की लैंडिंग। फिर बेटे की मौत, पत्नी की तड़प और बेटी की खुदकुशी ने ऐसा तोड़ा कि एक वादा अधूरा छोड़ इस बेरहम दुनिया को छोड़ गए हमारे गजल सम्राट जगजीत सिंह जी, जिसे शायद प्रकृति ने महान बनाने के साथ साथ इतने गम दिए कि हर अपना इनसे एक एक कर दूर होता गया और इन्हें तोड़ता गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का सफ़र बहुत ही अच्छे इंसान की है। जगजीत सिंह साहब मेरे बहुत ही पसंदीदा गज़ल गायक है और ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मैं आज भी सुनता हूँ। और मेरा बहुत दिनों से मन था कि गमों से भरे इस महान गज़ल सम्राट के किस्सों का सफ़र आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए आज का वीडियो हमारे आदरणीय जगजीत सिंह जी के नाम। आपसे निवेदन है कि वीडियो के साथ सही इंसाफ जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। जगजीत सिंह के पिता सरदार अमर सिंह धीमान पंजाब के एक गांव के रहने वाले थे और सरकारी कर्मचारी थे। इनका असली नाम जगमोहन सिंह था। बचपन से ही जगजीत सिंह को गाने का बड़ा शौक था। पिता ने इनके टैलेंट को समझते हुए इन्हें संगीत की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर संगीत में तो जगजीत आए दिन महारत हासिल करते रहे, लेकिन पढ़ाई में मात खा गए। जगजीत सिंह के पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर या आईएएस बने, लेकिन जगजीत बार बार फेल हो रहे थे। ऐसे में पिता समझ चुके थे कि वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जैसे तैसे स्कूल पास की, फिर जालंधर के डीएवी कॉलेज में आर्ट्स की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में ही जगजीत को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई। नौकरी के समय ही जगजीत ने पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से संगीत की शिक्षा ली। कॉलेज के दिनों में जगजीत के पास पैसे कम ही रहते थे। जब भी कैंटीन में बैठते थे तो उनके आसपास गजल प्रेमियों का जमावड़ा लगता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि जगजीत बिना पैसा दिए ही निकल जाते। कैंटीन वाला भी उन्हें टोकने की बजाय अपनी डायरी में उनकी उधारी का हिसाब लिख लिया करता था। ऐसा कई बार हुआ जब जगजीत मशहूर गजल सम्राट बने, तो एक दिन उनका वही पुरानी कैंटीन में जाना हुआ तो वही पुराना मालिक संतोष से ही मिला। संतोष ने उन्हें वही पुरानी डायरी खोलकर दिखाई जिसमें जगजीत का हिसाब लिखा था। हिसाब में 18 कॉफी का उधार था। जगजीत ने माफ़ी मांगते हुए पैसे चुकाने के लिए जेब में हाथ डाला तो कैंटीन वाले ने उन्हें रोक दिया
वो बोला, आपने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हमने भी उसके बदले मुफ्त में आपकी गजलें सुनी थी। फिल्म मेकर सुभाष गई कॉलेज के दिनों से ही जगजीत के दोस्त थे। एक बार सुभाष गई ने जगजीत से कॉलेज के प्रोग्राम में गाने को कहा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जगजीत से गजल सुनाएंगे तो सामने बैठे लोग हंस पड़े। कुछ लोग ने उन्हें अनाप शनाप बोलकर जलील भी करने लगे। जैसे ही जगजीत स्टेज पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें इनकी गजल नहीं सुननी है। उनकी नज़र में पंजाब तो भांगड़ा के लिए जाना जाता था। जैसे ही वो स्टेज पर आए लोग सीटी बजाने लगे। सुभाष ने सोचा कि जगजीत पूरी तरह से फ्लॉप होने वाले हैं। उन्होंने बहरा कर देने वाले शोर के बीच आंख बंद कर अलाप लेना शुरू किया। 30 सेकंड के बाद उन्होंने गाना शुरू कर दिया। वहां मौजूद श्रोता शास्त्रीय संगीत की समझ रखते थे, जल्दी ही वो तालियां बजाने लगे, पहले थम थम कर और बाद में हर 5 मिनट पर पूरे जोश के साथ। जब उन्होंने अपना गायन खत्म किया तो इतनी जोर से तालियां बजी कि सुभाष गई की आंखों में आंसू आ गए। वहां जगजीत को पहला पुरस्कार मिला। पढ़ाई पूरी होते ही जगजीत बिना पिता को बताए मुंबई चले आए, क्योंकि वो फिल्मों में गाना गाना चाहते थे। ये वो दौर था जब फिल्मों में रफ़ी और किशोर, गज़लों में तलत महमूद, मेहंदी हसन और बेगम अख्तर जैसे महान हस्ती अपनी पकड़ बनाए हुए थे। मुंबई आए तो उन्हें कुछ महीनों तक संघर्ष करना पड़ा। फिर उन्हें एडवर्टाइजमेंट में छोटे मोटे जिंगल का काम मिलने लगा। पेट पालने के लिए उन्होंने छोटी छोटी संगीत सभा और कार्यक्रमों में गाना गाए। फिल्मों में ब्रेक पाने की उम्मीद में फिल्मी पार्टियों में भी गाना गाते थे। सिख होने के कारण जगजीत सिंह सर पे पगड़ी, बड़े बाल और दाढ़ी वाली वेशभूषा में रहते थे। जब HMV ने उनका पहला रिकॉर्ड निकाला तो कंपनी वालों ने रिकॉर्ड के कवर पर छापने के लिए जगजीत सिंह की तस्वीर मांगी। उनसे कहा गया कि एक सिख को गजल गाते हुए संगीत प्रेमी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही उसने कितना ही अच्छा गाया हो। जगजीत सिंह पर प्रकाशित हुआ किताब कहाँ तुम चले गए दास्ताने जगजीत के लेखक राजेश बादल बतलाते हैं, कंपनी ने उनसे अनुरोध किया कि वो बिना पगड़ी और दाढ़ी की एक तस्वीर खिंचवाए। जगजीत को यह सुनकर बहुत धक्का लगा, लेकिन अपने करियर की खातिर उन्होंने सिख वेश त्यागने का फैसला ले लिया। साउथ बॉम्बे के बहारिस्तान इलाके में देबू प्रसाद रहते थे, जो थे तो ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी के ऑफिसर, लेकिन उन्हें रिकॉर्डिंग में खूब दिलचस्पी थी। घर में ही उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल रखा था जहां जिंगल की रिकॉर्डिंग होती थी। देबू की पत्नी चित्रा और बेटी मोना भी साथ ही रहते थे। एक दिन बालकनी में खड़ी चित्रा ने टाइट सफ़ेद पैंट पहना लड़का पड़ोसी के गुजराती परिवार के पास आते देखा। घर से गाने की आवाज़ सुनी तो चित्रा ने ध्यान वहीं लगा दिया। कुछ समय बाद वही लड़का बालकनी में आकर सिगरेट पीता दिखा। शाम को पड़ोसन चित्रा के पास आई तो उस लड़के की तारीफ करने लगी, लेकिन चित्रा को उस लड़के की आवाज़ पसंद नहीं आई। वो लड़का कोई और नहीं, जगजीत ही थे। चित्रा खुद भी समय के साथ बड़ी सिंगर बन गई। एक दिन वही सफ़ेद पैंट वाला लड़का चित्रा के घर उनके साथ रिकॉर्डिंग करने पहुंचा। चित्रा ने साफ कह दिया कि वो इस भारी आवाज़ वाले लड़के के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी। जगजीत ने भी अभिमान से जवाब देकर कहा कि आपकी ज़रूरत भी नहीं है। शुरुआती 2 मुलाकात ऐसी रही। फिर जब एक दिन चित्रा ने जगजीत को घर तक लिफ्ट देकर घर में चाय के लिए बुलाया तो दोनों की दोस्ती हो गई। जगजीत सिंह ने ही चित्रा को सुर साधने, उच्चारण और आरोह अवरोह की कला सिखाई। इस तरह जगजीत और चित्रा की दोस्ती पक्की होती चली गई। कुछ समय बाद चित्रा के पति ने उनसे बेवफाई कर दी और चित्रा टूट गई। देबू किसी और लड़की के प्यार में पड़ गए थे। देबू ने साफ कह दिया था कि वो चित्रा के साथ रहना नहीं चाहते हैं। 1968 में दोनों के तलाक की प्रोसेस भी शुरू हो गई। सभी लोगों ने चित्रा का साथ छोड़ दिया, लेकिन जगजीत ने अच्छे दोस्त का फर्ज निभाया। एक दिन उन्होंने चित्रा से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जवाब मिला, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है। जगजीत भी ये सब जानते ही थे। उन्होंने कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। 1970 में तलाक के बाद देबू ने दूसरी शादी कर ली। जगजीत देबू के दोस्त भी थे।
वो सीधे देबू के पास पहुंचे और कहा, मैं तुम्हारी पहली पत्नी चित्रा से शादी करना चाहता हूँ। जगजीत का साहस और व्यवहार देखकर जाहिर है कि उन्हें चित्रा के पूर्व पति से शादी की इजाज़त मिल गई। शादी के बाद चित्रा और जगजीत ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा विवेक सिंह। बेटे विवेक के जन्म के बाद जगजीत और चित्रा ने म्यूजिक एल्बम द अनफॉरगेटेबल बनाई। एल्बम के तमाम गजलें जबरदस्त हिट रही, जिनमें गजल बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी भी शामिल है। इस एल्बम के बाद जगजीत और चित्रा स्टार बन गए। जगजीत ने फिल्मों के लिए भी कई बेहतरीन गजलें गाई। 1981 में फिल्म प्रेम गीत की गजल होठों से छू लो तुम, फिल्म अर्थ की झुकी झुकी सी नजर, फिल्म साथ साथ में तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ये तेरा घर ये मेरा घर, इन सभी ने जगजीत सिंह को गजल सम्राट का टाइटल दिलाया। जगजीत सिंह एक भारतीय शास्त्रीय गायक, गजल सम्राट और संगीतकार थे, जिन्हें उनके जीवन काल में द गजल किंग के रूप में जाना जाता था। रविशंकर के बाद उन्हें पोस्ट कॉलोनियल भारत के सबसे महत्वपूर्ण और योग्य कलाकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 60 से अधिक एल्बम रिकॉर्ड किए। वह न केवल अपनी गजलों और कई भाषाओं में गायन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ठुमरी और भजन सहित हल्के भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गजलों में शब्दों को प्रमुखता दी। जगजीत सिंह गजल सिंगर ही नहीं बल्कि एक म्यूजिक कंपोजर भी थे। बात है 1979 की, जब जगजीत सिंह अपनी पत्नी चित्रा सिंह के साथ पहली बार पाकिस्तान शो में गए थे। बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था, इसे लेकर तनाव अब भी जारी था। फ्लाइट में चढ़ते हुए जगजीत और चित्रा ने एक आदमी को नोटिस किया। एयरपोर्ट से निकले तभी वो शख्स नजर आया। एक ही शख्स बार बार दिखा तो जगजीत को भी खटका। जब दोनों होटल पहुंचे तो कुछ घंटों बाद रूम की बेल बजी। दरवाजा खोला तो देखा वही शख्स खड़ा था। जगजीत ने पंजाबी में पूछा कि क्या आप हमारी जासूसी कर रहे हैं। एजेंट का जवाब हाँ था। उस जासूस ने बताया कि उनके कमरे की जासूसी की जा रही है। जासूस ने कन्फेशन किया कि वो इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी है। जगजीत हैरान रह गए। उस जासूस ने बताया कि वो जगजीत का बहुत बड़ा फैन है। वो जासूस अपने लंबे से कोट में एक तोहफा भी लाया था। वो था अखबारों में लिपटी हुई शराब की बोतल, क्योंकि होटल में शराब सर्व नहीं किया जा रहा था, इसी कारण वो तोहफे में शराब लाया था। जगजीत पाकिस्तान एक म्यूजिकल टूर पर निकले थे, लेकिन अचानक उस कॉन्सर्ट पर रोक लगा दी गई। जगजीत को बैन कर दिया गया। इसके बावजूद जगजीत की पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी कि उन्हें एक प्रेस क्लब के फंक्शन का न्योता मिला। जगजीत ने वहां पहुंचकर भरे हुए ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान का ये किस्सा राइटर सत्य सरन ने जगजीत पर लिखी किताब बात निकलेगी तो फिर, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ जगजीत सिंह में उनकी पत्नी चित्रा के हवाले से लिखा था। एक बार जगजीत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। प्लेन के क्रू ने देखा कि जगजीत फ्लाइट में है तो हर कोई उनसे गजल सुनाने की गुजारिश करने लगा। जगजीत ने जैसे ही गजल सुनानी शुरू की तो पायलट ने कंट्रोल रूम कॉल कर आधे घंटे तक लैंडिंग ना कराने की इजाज़त ले ली, जिससे जगजीत का पूरी गजल सुन सके। जब तक जगजीत गाते रहे, प्लेन आसमान में ही रही। फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर आधे घंटे की देरी से लैंड हुई। शायद ये पहली बार होगा जब पैसेंजर लैंडिंग में देरी होने से खुश हुए होंगे। हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर खुद भी जगजीत सिंह की बड़ी फैन थी। उनको जगजीत की गजल सरकती जाए है रुख़से नकाब आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज़्यादा पसंद था। जब भी मुंबई में जगजीत सिंह का कॉन्सर्ट होता तो वो टिकट लेकर सुनने जाती थी। एक शाम एक महफिल में जगजीत सिंह गजल गा रहे थे। थोड़े अनमने से शायद उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन गा रहे थे। यह महफिल अपने अंतिम चरण में थी कि तभी अभिनेत्री अंजू महेंद्रू ने जगजीत सिंह से दर्द से मेरा दामन भर दे गजल सुनाने की फरमाइश की। इस गजल को गाते हुए वो रो पड़े थे। गजल पूरी होते ही उनके पास खबर आई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। 1990 को जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया।
बेटा महज 20 साल का था। शायद कह सकते हैं कि ये गजल उन्हें वो एहसास दिला गया होगा जिसकी मौत से जगजीत और चित्रा पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि दोनों ने गायकी छोड़ दी। बेटे के अचानक चले जाने के गम ने पिता को भी कई महीनों तक खामोश कर दिया। करीब 6 महीने बाद सीने में इस सदमे को दबाए जब ध्यान बटाने के लिए जगजीत सिंह वापस गजल गायकी की दुनिया में लौटे तो उनकी आवाज़ में किसी को खोने का दर्द कई गुना बढ़ा हुआ नजर आया। 1991 में लता मंगेशकर के साथ उन्होंने सजदा नाम से एल्बम रिलीज किया था जो काफ़ी हिट रहा। कहा जाता है कि फिल्म दुश्मन की गजल चिट्ठी न कोई संदेश जगजीत सिंह ने बेटे की याद में ही गाया और इसके लिए उन्होंने पैसे भी नहीं लिए थे। बेटे की मौत के बाद चित्रा ने कभी दोबारा रिकॉर्डिंग ही नहीं की। ये वो गम का वक्त था जब चित्रा और जगजीत साथ तो रहते थे लेकिन फिर भी अकेले थे। इस वक्त चित्रा ने अध्यात्म का सहारा लिया और घर पे अनुष्ठान और पूजा पाठ कराकर किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती। कभी कभी वो तांत्रिक से मिलकर अपने बेटे की आत्मा से बात करने को कहती। इससे भले ही उनके दुख कम तो नहीं हो रहे थे लेकिन खुद को संभालने की शक्ति जरूर मिल जा रही थी कि तभी खबर आई कि चित्रा की पहली शादी से हुई बेटी ने आत्महत्या कर ली है। अब तो दोनों और भी टूट गए। एक एक कर आते पहाड़ जैसे गमों ने जगजीत सिंह की जिंदगी को तोड़ कर रख दिया। वो गला जो सुरों की नदी में गोते लगाते थे अब गम के आंसू में डूब चुके थे। दिल बैठ चुका था फिर भी खुद को व्यस्त रखने के लिए जगजीत साहब ने कॉन्सर्ट करना जारी रखा। साल 2011 में अपने 17वें जन्मदिन के मौके पर जब जगजीत ने एक साथ 70 कॉन्सर्ट साइन किए, यूके, सिंगापुर और मॉरिशस में सक्सेसफुल कॉन्सर्ट के बाद जगजीत को गुलाम अली के साथ मुंबई में परफॉर्म करना था। इससे पहले ही जगजीत को ब्रेन हेमरेज के चलते लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जगजीत 2 महीनों तक कोमा में रहे और फिर उन्होंने 10 अक्टूबर 2011 को दम तोड़ दिया। ऐ मौत बड़ी देर से गले लगाया तूने, लाश तो मैं कब का बन चुका था। साल 1998 के मिर्जा गालिब में उनके शानदार काम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 2003 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। राजस्थान सरकार ने 2012 में उन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न से नवाजा। इसके अलावा 2014 में भारत सरकार ने जगजीत सिंह के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। मैं ये कभी नहीं कह सकता कि महान गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब अब हमारे बीच नहीं है क्योंकि हर रात मैं उनके गानों में उन्हें अपने पास महसूस करता हूँ। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।